अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये 21st लेक्चर ऑफ फ्रॉम द एप्टीट्यूड बुक, बट रेशियो और प्रोपोर्शन का सेकंड नंबर लेक्चर है। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट नाउ आई विल टेल यू द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो आज सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम्स का। पहले आप लोगों को मैंने ट्रिक्स बताई थी, आज प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी होंगे इंशाल्लाह, लास्ट जो क्वेश्चन होंगे दिस विल बी इंशाल्लाह समहाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, देखिए आप, क्लर्क टाइप्स 20 लेटर्स इन 10 मिनट्स। ओके, हाउ मेनी लेटर्स विल ही टाइप इन 1 आवर। ओके, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम एक मतलब के एक प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज जो लेटर्स हैं वो कितने हैं और रेशियो में अगर लिखे हम, ठीक, लेटर्स हैं और मिनट्स हैं। ठीक, देखें लेटर्स 20 लिख रहा है और 10 मिनट्स में लिख रहा है, एंड हाउ मेनी लेटर्स मतलब लेटर्स फाइंड करने हैं, विल ही टाइप इन 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। ओके, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। ओके, देखें अब जो कह रहा है कि ये हमें फाइंड करना है, तो ये क्या है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो लेटर्स भी बढ़ेंगे, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो क्या होगा 20 × x प्रोपोर्शन 10 × 60। ये क्या है, टेल से स्टार्ट करना है, हेड से स्टार्ट नहीं करना है, जहां से भी स्टार्ट करना है टेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक्सट्रीम और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, ये इंटू 60 होगा इज इक्वल टू 10, मतलब x इंटू 10 होगा, 10 इधर आ जाए, 20 × 60/10 हो जाएगा इज इक्वल टू x, तो ये 10 कैंसिल, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 120 मिनट्स। ठीक, मतलब 120 मिनट्स में वो, सॉरी 120 लेटर्स जो है वो 60 मिनट्स में कर सकता है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को ये जरूरत नहीं है इतना मतलब लंबा करने की। देखें आप ऐसा करें, क्लर्क टाइप 20 लेटर्स इन 10 मिनट्स, मतलब 20 लेटर है 10 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में कितने कर रहा है, मतलब 20 मतलब 1 मिनट में 2 लेटर्स कर रहा है, 1 मिनट में 2 लेटर्स कर रहा है। ठीक है, तो वो एक 2 लेटर्स जो 1 मिनट में अगर कर रहा है, तो 60 मिनट्स में मतलब 1 आवर में 60 मिनट में कितने लेटर करेगा, तो 60 × 2 अगर करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस वही सेम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेंटर कैन पेंट 5 रूम्स इन 20 मिनट्स। खुद आप देखें 20 मिनट में 5 रूम करा, तो 1 मिनट में कितने रूम करेगा, 1 मिनट में कितने रूम करेगा, 4। ठीक, How long it will take him to paint 60 rooms? देखें, इसको हम पहले प्रोसेस के थ्रू करें, तो रूम्स यहां पे लिखें आप लोग, रूम्स एंड मिनट्स लिखें। ठीक, 5 रूम्स 20 मिनट्स में करें, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यहां पे ये फाइंड करना है और रूम्स कितने 60। अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अगर 5 रूम है तो मतलब 5 रूम है तो 20 मिनट्स से, और अगर 60 रूम है तो मिनट्स और भी बढ़ेंगे। ठीक, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको मैं और तरीके बता दूं कि आप लोग अगर ऐसा ना करें, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट, मतलब 5x, क्योंकि यहाँ पे x होगा, 5x इज इक्वल टू 60 × 20 कर दें। ठीक, देखें 60 रूम्स है, ठीक, 60 × 20 कर दें, x इज इक्वल टू इसके आप नीचे ये × 20/4 कर दें, तो सॉरी 5 कर दें, ये 4 टाइम्स कितना होगा 24 मिनट्स। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखें 24 0 मतलब 240 मिनट्स। ओके, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट फॉर सपोज के कितने मिनट लग रहे हैं, 4 मतलब 1 मिनट में 4 रूम है, 1 मिनट में सॉरी हाँ एक सॉरी 4 मिनट में मतलब 1 रूम कर रहा है, 4 मिनट में 1 रूम, तो 4 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, That's all, बस 240 ओके मिनट्स। अब ये देखा फैक्ट्री प्रोड्यूसर 3120 टेंस, टेंस कितनी कर रहा है 3120 इन 1 आवर, मतलब टाइम जो है वो कितना है 60 मिनट्स, इन हाउ मेनी मिनट्स मतलब हाउ मेनी मिनट्स कैन अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 260 टाइम्स। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यस, अगर 10 घटी है तो टाइम भी घटेगा, तो ये ऐसे आप इसको ऐसा करें कि इसको ऐसे देखें 20 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो, ठीक, इनटू एक्स इज इक्वल टू 60 × 260 अपॉन
अपॉन आप नहीं दें, ये डायरेक्ट ये अपॉन में जाएगा, इसको कैंसिल यहां से करते हैं, 20 ओके, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब इसको आप अगर मतलब डिवाइड करेंगे फर्दर तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड ज्यादा नहीं कर रहा जो टाइम कंज्यूम होता है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करें आपको आराम से मिल जाएगा। और आप देखें फिर वही तरीका देखें, अगर एक आर में इतने टेंस वो कर रहा है, ठीक, तो एक मिनट में कितने करेगा, लेट फर्स्ट को देखें, 3126 अपॉन 60 अगर करूं तो एक मिनट में मिनट में कितना करेगा, ये कैंसिल 652, ठीक, मतलब 52 टेंस एक मिनट में कर रहा है, एक मिनट में 62 टेंस कर रहा है, तो हाउ मेनी मिनट्स विल टेक, तो मतलब 62 जो है वो एक मिनट ले रही है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखें कि क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ मैनेजर सुपरवाइजर्स एंड लेबर्स इज, रेशियो जो मैनेजर्स का 2 है, सुपरवाइजर 3 है, 5 किसका है, लेबर्स का, ठीक, respectively if there are a total of 1600 employees in a factory, how many of them are supervisors? अगर total employees 1600 है तो supervisors कितने होंगे? मैंने आप लोगों को first lecture में ये समझाया है कि ratio मिला हो, total मिला हो, तो हम हर किसी का part कैसे find करते हैं। देखें first of all क्या होता है कि हम sum of ratios करते हैं, मतलब sum of ratios करते हैं जो ratio मिले हुए हैं, तो कितना होता है 10, ठीक, ये 10 हो गया, तो हर किसी का पार्ट फाइंड करने के लिए हम उसी को ऊपर रखते हैं डिवाइड में, उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, डिवाइड में सम ऑफ रखते हैं, इनटू करते हैं टोटल, ठीक। तो अब यहां पे देखें हमें जो नीड है वो किसकी है, सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर का जो रेशियो है वो कितना है, 3 है, तो 3/10 करते हैं सम ऑफ रेशियो, इनटू 1600 करते हैं, ठीक, ये कैंसिल, तो ये कितना होता है कि 4800, मतलब जो सुपरवाइजर्स हमारे पास है वो कितने हैं, 480, मतलब 480 सुपरवाइजर्स हैं हमारे। लेट फॉर सपोज अगर हम फाइंड करते हैं मैनेजर्स, तो मैनेजर्स का क्या आता है, लेट फॉर मैनेजर्स का क्या रेशियो, 2/10 है इनटू 1600 है, ठीक, तो ये कैंसिल, तो 320, ठीक, मतलब 320। तो अब अगर 5/10 अगर मैं लेबर से करता तो क्या आता, ये कैंसिल, तो कितना आता इसका, आई थिंक सो, मतलब ठीक, एंड 800, मतलब देखें अब इसको अगर आप प्लस करें तो हमारे पास क्या 1600 बन रहा है, या बन रहा है, देखें 800, 300, 700, 700 और ये एक 800 हो गए, 800 और 800, 16, मतलब 1600। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10 men can complete a job in 14 days, how long it will take 4 men to finish the same job if they work at the same rate। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे 10 men, जो men है कितने हैं वो 10 है, और जो जॉब है वो कंप्लीट डेज में कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, डेज में, ये men कंप्लीट लिखें, 14 डेज में कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब डेज फाइंड करनी है, 4 men, men कितने हैं, 4, मतलब है अगर 10 आदमी है 14 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 4 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक। यहां पे जो रेशियो, जो इसके प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन में जो इसके मतलब क्या कहते हैं हम के प्रोपोर्शन को इनवर्स जाएगा या डायरेक्ट जाएगा, देखें अगर 10 आदमी हैं वो 14 दिनों में कर रहे हैं, मेन घटे हैं दिन बढ़ेंगे, एक ही काम है अगर 10 जने 14 दिन मतलब 14 दिनों में कर रहे हैं, तो 4 जने कम आदमी और ज्यादा दिनों में करेंगे, क्योंकि आदमी कम हो जाएगा मतलब काम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मतलब ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, ठीक, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स में हम, मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं, आप इनवर्स में इसको मल्टीप्लाई करें और इसको ये ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करें, ठीक, मतलब 4x इज इक्वल टू 10 इंटू 14, ठीक, तो x is equal to 100 into 1/4 करते हैं, ठीक, ये देखें हो गया। अब देखें x is equal to, ये कितना होता है 140, ठीक, upon 4, ठीक है, तो 4 3 दा, ठीक, and 5, मतलब 35 days लगेंगे उनको, 4 आदमियों को, 4 men को 35 days लगेंगे वही सेम काम करने में, ठीक।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 440 men can build the wall 4 times 4 meters high in 15 days. The number of men required to build a similar wall 5 meter, same wall है, वो सेम वॉल है, सेम दीवार है, 5 मीटर उसको आगे करनी है। पहले 4 मीटर थी, 4 मीटर 15 दिनों में 40 आदमी थे, ठीक है। अब 5 मीटर के लिए कितने आदमी हो जो हाई हो, 6 मतलब सॉरी जो 6 दिनों में काम करें। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखे हैं प्रोपोर्शन, अगर रेशियो लिखे मेन है, यहाँ पे वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डेज है, ठीक। देखें मेन कितने हैं 40 मेन है और वॉल कितने हमारे पास 4 मीटर्स है और डेज कितने 15 है। फिर क्या है कि मेन हमें रिक्वायर्ड है, वॉल 5 मीटर्स है, ये 6 डेज है। देखें अगर आदमी, अगर वॉल यहाँ पे ज्यादा है तो आदमी भी ज्यादा होंगे, लेट अगर लेट फर्स्ट सपोज हम इसको करें, ठीक है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। अब देखें डेज कम हुए हैं, मतलब डेज कम हुए हैं तो ये क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। डेज कम हुए हैं क्योंकि आदमी यहाँ पे अगर बढ़ेंगे, अगर आदमी बढ़ेंगे तो डेज क्या होंगे, कम होगी। अगर लेट फॉर आप इसको अगर ऐसे कर देते हैं, ऐसे आदमी अगर बढ़े हैं और ये वॉल भी बढ़ी है तो ये ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन जाएगा, ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन आप लोगों के पास आ रहा है तो आप लोग से कैसे करते हैं, W2 upon man 1 इज इक्वल टू जो वर्क है वर्क 2 अपॉन वर्क 1 इंटू T1 अपॉन T2 करते हैं, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। जो इनवर्स प्रोपोर्शन हो आप उसी को ही मतलब चेंज कर दे, क्योंकि ये सेम है ना, देख देखें अभी इसको हमने इनवर्स किया, ठीक। अब देखें W2 क्या है, x है, लेट फर्स्ट सपोज ये मैन 1 क्या है 40 है, इज इक्वल टू W2 क्या है, वर्क क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 अपॉन क्या होगा 4 होगा, इंटू जो है वो T1 क्या हमारे पास 15 था, तो 15 अपॉन क्या है 6 है, ठीक। अब देखें अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखें x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, सारे के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितने होंगे हमारे पास, देखें अगर मैं 3 की टेबल यहाँ पे लगाऊ और 3 की टेबल यहाँ पे लगाऊ, 2 टाइम्स इस यहाँ पे कितने टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक। 5 इज 25 अपॉन ये 2 4 है 8, ठीक। अब x इज इक्वल टू 8 5 इज 125 आदमी हो तो वो 5 मीटर वॉल हाई 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का कंसेप्ट, दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एनी एग्जाम और एनी सिलेबस, ओके। सो 9th की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट वाला है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेंगे बट क्या हमने किए नहीं होते। देखें ये क्वेश्चन ऐसा है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग आरएस 800 एंड 1000, मतलब ए ने 800 दिए हैं, बी ने 1000 दिए हैं रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने बाद दे एडमिट सी, 6 महीने बाद सी को एडमिट करते हैं, हु कंट्रीब्यूट आरएस 600 जिसने 600 दिए, आफ्टर 3 इयर्स दे गेट अ प्रॉफिट ऑफ आरएस 966 600 रुपीज फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट अब शेयर प्रॉफिट करना है ठीक ये बिजनेस में बहुत ज्यादा आते हैं टेस्ट में भी बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें हैं कितने पास हमारे लेट फर्स्ट सपोज 800 है ए के ठीक है ए के 800 है बी के कितने हैं 1000 है एंड सी के कितने हैं 600 है ठीक अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इनका रेशियो निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो इनका तब निकालना है 36 मंथ होते 3 इयर्स 36 बाद वो कह रहा है 36 माइनस से इससे 36 इनटू मैं करूंगा 30 अब 30 मैंने यहां पे क्यों किया पूरे 3 साल है 36 मंथ है यार 3 इससे 30 क्यों इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद आया था ठीक देखें अभी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होता है कि 488 0 0 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 66 बनता है 366 ओके सॉरी ओके एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है क्या ये ठीक। अब इसका अगर रेशियो मैं निकालूं लेट फॉर सपोज 288 0 0 रेशियो 36 ये रेशियो 1800 ये ए का है ये बी का है ये सी का है।
अब अगर इसका मैं रेशियो निकालूं इसका और सिंपल करूं तो ये 2 8 8 बचेगा, ये 3 6 0 बचेगा क्योंकि 2 0 ये कैंसिल, तो 1 ये रेशियो 180 बनेगा। अब इसको और मैं सिंपल करूं तो ये बनेगा 24 रेशियो ये बनेगा 30, ये बनेगा 15। अगर मैं 2 की टेबल लगाऊं या फिर ऐसे ऐसा सिंपलेस्ट मैं फार्मूला हूं तो इसका ये बनेगा। ठीक, अब देखें, अब बात असल आती है यहां पे। देखें अब रेशियो निकल गया, अब हम क्या करते हैं कि उन रेशियो का सम डिवाइड करते हैं हर के रेशियो से और इनटू करते हैं जो टोटल प्रॉफिट है। देखें लेट फर्स्ट सपोज इसका जो सम है, सपोज दे इसका सम पहले निकालते हैं, इसका जो सम है वो कितना निकलेगा कि कितने होंगे ये 45 और 24 कितने होंगे, देखें 45 प्लस 24 कितने होंगे 59 ओके, एंड ये यहां पे कितने होंगे 6 मतलब 69। ठीक, इनका जो सम है वो 69 है, ये याद रखना है। ए का फाइंड करने के लिए वो क्या करते हैं हम 24 अपॉन 69 इंटू क्या करेंगे 966। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ए का शेयर आएगा वो कितना आएगा 366। ठीक, अब जो है फिर बी का अगर शेयर फाइंड करेंगे तो 30 अपॉन 69 करेंगे इंटू 966 करेंगे, इसका क्या आएगा हमारे पास 4420। ठीक, 420 आएगा बी का। ठीक, अब सी का जो अगर मैं फाइंड करूं तो 15 अपॉन 69 इंटू हम जब करेंगे तो हमारे पास या फिर क्या था 966 था, इसका आएगा 210। अब देखिए रेशियो में भी फर्क है, देखें जो 800 जिसने दिए थे ए वाले ने उसको 300 मतलब 366 मिले, बी ने ज्यादा पे किए थे उसने उसको 420 मिले, और सी ने जो कि 6 महीने बाद आया था और 600 पे भी कम किए थे उसको 210 मिले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, था लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक अवर वीडियो। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।